आज मेरा बेटा सयाना हो गया है, और जिसका नाम रूप सिंह रखा है मैंने। मेरा बेटा रूप सिंह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार व होनहार है, और जब तक क्यों मुझसे मिल नहीं लेता, ना तो कहीं खेलने के लिए जाता है और ना ही तो कहीं घूमने जाता है। खैर, मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करता हूँ। बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, नहीं साथ देता भगवान। मैं जब भी कभी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर और हंसकर अपने गले से लगा लेती थी, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि हमारी माँ की आंखों में आंसू और चेहरे पर यह उदासी। माँ, हाँ चरणे
इतना उदास बैठी है और आपकी आंखों में आंसू है, आंसू आने का कारण क्या है भैया? मतलब तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहता है? हाँ माँ। बेटा हाँ, युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशी। युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशी। हे युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशी। बताती तेरी मात है बेटा अगर जे पिता जे होते और खुशियाँ कितनी। हाँ खुशियाँ कितनी इसी घर में सोचो कितनी। आपका कहने का मतलब है कि अगर आज पिताजी हमारे साथ होते तो कितनी बड़ी खुशियां हम लोगों के साथ होती। माँ आज तक मैंने आपसे पिताजी का जिक्र नहीं किया है, आज आपने पिताजी की याद दिलाकर मुझे रुला दिया है। माँ आज मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कौन हैं और वो कहां पर हैं। इसका मतलब है कि तू अपने पिताजी के बारे में जानना चाहता है। हाँ माँ। बेटा
अगर जहाज तूने अपने पिताजी के बारे में जिक्र किया है ना, तो तेरी माँ तेरे पिताजी के बारे में जरूर बताएगी। बताओ माँ। बेटा, तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम गणराज की सेना के सेना नायक, जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह, वही तेरे पिताजी है। बेटा, क्या हुआ मेरे लाल? आप वही सेनापति निर्भय सिंह की बात कर रहे हैं जो सम्राट विक्रम सिंह का खून कर दिया है? क्या कह रहा है बेटा? माँ, अगर किसी ने जान लिया कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं, तो जिस तरह हमारे पिताजी को, जिस तरह उन्होंने उन्हें फांसी की सजा को जेल की सलाखों में के अंदर डाल दिया है, उसी तरह हमें और भी तुम्हें भी वो जेल के सलाखों के अंदर डाल देंगे। नहीं बेटा, तेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी ने ये सुन लिया कि हमारा और तेरा कोई संबंध भी है सेनापति जी से, तो उन्हीं की तरह हमें भी सलाखों के पीछे डाल दिया। जी माँ जी। बेटा, बहुत नादान है तू, इन सब बातों से, इन सब चीजों से बिल्कुल वंचित है तू। अरे तू क्या जानता है अपने पिताजी के बारे में? अरे मैं जानती हूँ तेरे पिताजी के बारे में, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ मेरे लाल, लेकिन माँ, तेरी माँ ये मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं है कि तेरे पिताजी ने कोई कत्ल भी किया है। बेटा, हो ना हो, ये मेरा दिल कहता है। हाँ बेटा, ये मेरा दिल कहता है कि तेरे पिताजी को जरूर किसी ने अपनी चाल में फंसाया है। बेटा, लेकिन माँ, सारी रियासत कहती है कि महाराज का खून सेनापति निर्भय सिंह ने ही किया है। बेटा, भले ही पूरी दुनिया तेरे पिताजी को खूनी व कातिल क्यों ना कहती है, लेकिन तेरी माँ ये मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं है कि तेरे पिताजी ने कोई खून व कत्ल भी किया है। और हाँ, रही बात खून व कत्ल की, तो इस पूरे विक्रम महाराज के अंदर ऐसा दुष्कर्म कोई अगर कर सकता है, इतना बड़ा जुर्म करने की अगर किसी के अंदर साहस हो सकती है, तो कोई और नहीं बल्कि महामंत्री विक्रम सिंह। हाँ बेटा, मतलब कि मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी को मंत्री दुर्गा सिंह ने कुदरत की जाल में फंसाया है। हाँ बेटा। माँ, जिस तरह उन्होंने मेरे पिताजी को झूठे जाल में फंसाया है, मैं तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं माँ, तुम झूठा करके आता नहीं।
जिस तरह मेरे पिताजी को फितरत की जाल में फंसाया गया है, ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे चलोर की सौगंध खाकर कहता है माँ कि तुम्हारा बेटा जब तक अपने बाप का बदला नहीं चुका लेगा और मंत्री दुर्गा सिंह को इस दुनिया से नहीं मिटा देगा तब तक मैं अपना मुंह तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। जा मेरे लाला, एक माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है, तू अपने कामों में जरूर सफल होगा। हाँ बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है। मेरी मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरी मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे दूर का कर्ज चुकाना, तेरे दूर का कर्ज चुकाना। आज मेरा बेटा गया है अपने बेकसूर पिताजी की तलाश में और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। इशारा हुआ तो खोपड़ी के पर खच्चे उड़ जाएंगे। हुक्म जानना चाहते हो? हुक्म महाराज दुर्गा सिंह का है, इसके दोनों आंखें निकाल के निकल जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। हट जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। अरे महाराज दुर्गा सिंह का हुक्म है, क्यों हुक्म है? अगर इनकी आंख निकाल कर ले जाओगे तो 50,000 रुपया पाओगे। 50,000 रुपया इनाम मिलेगा। ए जल्लाद, तुम इनको हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें 1,00,000 रुपया देंगे। इनको हम हमारे हवाले कर दें, 1,00,000 रुपया दूंगे। 1,00,000। कालू जल्लाद मौके का फायदा भी उठाएगा। इसी जंगल में इसको छोड़ देता हूँ, शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज के समक्ष पेश करूंगा। यहाँ 1,00,000 रुपए लूंगा, महाराज से 50,000 रुपए लूंगा, फिर तो मेरे पास 1,50,000 रुपया हो जाएगा। ये लो रकम। नकद नहीं है? नकद नहीं है तो नकद भी मिलेगा भी नहीं इसको। रुक जा जल्लाद। बोलिए। अपना पता ठिकाना बताता जा, तेरे बताए हुए ठिकाने पर 24 घंटे के अंदर 1,00,000 रुपया पहुंच जाएगा। पक्का? ये फूल सिंह का वादा है। पता पहुंच जाना पिछवाड़ा चौराहा, किसी से पूछ लेना, बहादुरपुर जाना है, मोहम्मद वाजिद खान कालू जल्लाद नाम से हम प्रसिद्ध हैं, पहुंच जाओ। समझ गए जा, पहुंचा देना। ठीक, मैं चल रहा हूँ। बाप अच्छी, बाप
आज मुझे अंधा होने से बचा लिया है। हम पे बहुत बड़ा एहसान किया बच्चे, बहुत बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान की क्या बात है, इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते हमारा जो भी फर्ज था बाबा हमने अदा किया। सब बात बच्चे, लेकिन बाबा हम क्या देख रहे हैं, जुल्म की जंजीर में जकड़े हुए, हाँ हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में तौक, ऐसी कौन सी गलती हो गई जो महाराज दुर्गा सिंह ने तुम्हारी आंख निकालने के लिए तुम्हें जल्लाद के हाथ सौंप दिए। बच्चे इसी बात की तो सोच है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और ना ही कोई जुल्म किया है, हम तो निर्दोष हैं, निर्दोष होकर के भी सजा काट रहे 20 साल से और आज अंधा हो जाता, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और ना ही कोई जुल्म किया है। घबराओ नहीं बाबा, खोल दो हथकड़ी, लो बाबा आजाद हो गए आप, लेकिन बाबा आप ऐसी हालत में कहां जाएंगे आप? बच्चे अब तो दिल के अंदर एक ही तमन्ना है कि उस रामजादे दुर्गा सिंह से अपना बदला चुकाना चाहता हूं, ताकि सारे राज्यवासियों को यह मालूम हो जाए कि महाराज का असली कातिल कौन है। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं बाबा। बाबा ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है बाबा आपके लिए। हाँ बाबा, बाबा एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है बच्ची? पता नहीं क्यों बाबा ये मेरा दिल कह रहा है कि हो ना हो आपसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे जन्मों जन्मों का रिश्ता जुड़ा हुआ हो। हाँ बाबा, तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए बाबा, जिसका मैं जवाब नहीं पा रहा। बच्चे आज मुझे भी तुम्हें देखकर अपने बच्चों की याद आ रही है। अगर आज मेरे लगते जिगर हमारे समक्ष होते तो तुम्हारे ही उम्र के होते, लेकिन अफसोस वो बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं इस बारे में मुझे खुद मालूम नहीं है। बाबा दिल छोटा ना करो, उस ऊपर वाले का घर बहुत बड़ा है बाबा, उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है बाबा, देख लेना बाबा। एक दिन मेरा दिल कहता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा बाबा। बच्चे लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ। पूछो बाबा। तुम्हारा नाम क्या है और किसके बेटे हो तुम? बाबा मेरा नाम फूल सिंह है। फूल सिंह। हाँ बाबा, और मेरे पिताजी का नाम डाकू कुंदन सिंह है। अच्छा, कुंदन सिंह के बेटे हो। हाँ बाबा। फूल सिंह, मेरे दिल के अंदर एक तमन्ना उठी है। कैसी तमन्ना बाबा? हमारे सगे बेटे मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुमसे बेटे का प्यार पाना चाहता हूँ, इसीलिए आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ। हाँ हाँ बच्चे, आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ, बोलो तुम्हें मंजूर है? बाबा आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बाबा, आप चिंता न करें बाबा, मैं भले आपका सगा बेटा नहीं लेकिन बेटे का हर फर्ज मैं निभाऊंगा।